शांति 9 सितंबर 2022। अभी पढ़ेंगे मुरली। मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है, तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। प्रश्न, बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे जैसे मैं निरहंकारी हूँ ऐसे तुम बच्चे भी मेरे समान निरहंकारी बनो। बाप ही तुम्हें पावन बनने की शिक्षा देते हैं। बाप पावन बनने से ही बाप समान बनेंगे। दूसरा प्रश्न है, जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः बैठ जाते हैं? उत्तर, मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका क्या पाठ है, आत्मा में कैसे अनादि पाठ भरा हुआ है जो बजाती ही रहती है, यह सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। गीत है, धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आए कि आए। ओम शांति। बेहद का माँ बाप मिला तो धीरज मिला, किसको? आत्माओं को, वा जीव आत्मा बच्चों को। आत्मा एक छोटी सी बिंदी है, दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको बुद्धि में हो कि हम आत्मा एक बिंदी मिसल स्टार है। तुम जानते हो कि हमारी इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ 5000 वर्ष का पाठ नूंदा हुआ है। दूसरी आत्माओं में तो इतना पाठ भरा हुआ नहीं है। मनुष्यों की बुद्धि कितनी कमज़ोर हो गई है जो समझती नहीं है। परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे कि वह 84 जन्म व 84 लाख लेते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। उसको कुदरत कहेंगे ना, कितनी छोटी सी बिंदी आत्मा है जिसमें सब जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। वह कभी मिटता नहीं है, मिटने वाला भी नहीं है। कितनी भारी वंडर है, तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को जानते हैं फिर भूल जाते हैं। यह धारण करना है औरों को समझाने के लिए। बाप परमपिता परमात्मा को करण करावन हार कहा जाता है। वह भी करते हैं सिखलाने के लिए, उनको निराकार निरंकारी कहा जाता है। उनका अर्थ भी कोई समझ न सके, यह गुण बच्चों को ही सिखलाते हैं। बच्चों को भी ऐसा निरंकारी बनना है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान भी सुनाना पड़े ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को ही शिक्षा देंगे पावन बनने की। जैसे सन्यासी शिक्षा देते हैं सन्यास करवाने के लिए, यह भी 5 विकारों का सन्यास करना है। पतित पावन ही आकर शिक्षा देंगे, नहीं तो हम पावन कैसे बने? गाया भी जाता है, जब तक जीना है तब तक सीखना है, पढ़ना है। स्कूलों में तो ऐसे नहीं कहा जाता है, उसमें तो इस जन्म में ही पढ़ाई की प्रारब्ध भोगनी है। यहाँ तो कहा जाता है, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, अंत तक कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा को योग से ही पवित्र बनना है। जितना योग में रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा गोल्डन एज में जाएंगी, फिर आयरन एज में ना आत्मा को ना शरीर को रहना है। हम पढ़ते ही है पावन दुनिया में आने के लिए। यह ऐसी गुह्य बातें हैं जो कोई कब समझा न सके। और तो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, साइंस घमंडी कैसी कैसी चीज़ें बनाते हैं, स्टार मून पर भी जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम समझते हो इनसे कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलती है, करके अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है। एरोप्लेन से सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है। कल एक्सीडेंट हो जाए तो दुख होगा, स्टीमर डूब जाता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, बैठे बैठे भी मनुष्य हार्ट फेल हो जाते हैं। सुखधाम तो है ही अलग, वह सदैव सुख ही सुख है। इस दुनिया में जो भी सुख है वो है ही अल्पकाल काकविष्ठा के समान। तुम बच्चों को अभी बहुत अच्छी बुद्धि मिली है। मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका पाठ क्या है, हमारा क्या पाठ है, सारा बुद्धि में राज है। तुम बच्चों में भी सबके 84 जन्म नहीं कहेंगे, सब थोड़ी सतयुग में इकट्ठे हो जाते इसलिए सबके पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। चंद्रवंशी में भी पिछाड़ी तक आते रहते हैं, वृद्धि होती जाएगी, जन्म थोड़े होते जाएंगे, यह विस्तार की बातें हैं। बुढ़ियों को पहले अलप बे पक्का कराना है। अलप माना बाबा, बेमाना बादशाही, यह तो बिल्कुल राइट बात है ना। स्वर्ग की बादशाही थी, भारत सारे विश्व का मालिक था और कोई का राज्य नहीं था। जो रुद्र की माला बनती है वही फिर विष्णु की माला बन जाती है।
यह ज्ञान तुम बच्चों को मिला है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनका रूप क्या है, क्या साइज है, यह सब बातें अभी तुम्हारी ही बुद्धि में है। कितनी छोटी सी आत्मा है, परमात्मा को भी भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। द्वापर से कलयुग अंत तक अथवा संगम के अंत तक कहेंगे उनका पाठ चलता है, यह सब तुम जानते हो। तुम कहेंगे यह सब कला पहले भी हुआ था, आज से 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। एक अखबार में रोज डालते हैं 100 वर्ष पहले क्या हुआ, 100 वर्ष की बात तो सहज है, अखबारों से झट निकाल बताएंगे, वह है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार। तुम्हारी अखबार है टाइम्स ऑफ वर्ल्ड, यह अक्षर बड़ा अच्छा है, रोज लिख सकते हो आज से 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था, 5000 वर्ष पहले जो हुआ था वही अब हुआ है। ऐसे ऐसे लिखने से मनुष्य को ड्रामा का पता तो पड़ जाए। मैगजीन में भी लिख सकते हैं, तुम बच्चों की बुद्धि में तो सारा राज है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई भी मनुष्य में नहीं है, तो वह मनुष्य क्या काम का। तुम जानते हो मनुष्य ही 84 जन्म लेते हैं, पहले ब्राह्मण वर्ण फिर देवता वर्णों में आते हैं। वर्ण तो यहाँ ही है, सूक्ष्मतन में तो वर्णों की बात ही नहीं है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया जाता है। विष्णु के दो रूप, लक्ष्मी नारायण के तो दो बच्चे, विष्णु नारायण के तो बच्चे पैदा होते हैं जो तख्त पर बैठते हैं। शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे, यह भी जानते हो, जैसी जैसी भावना है वैसे वैसे साक्षात्कार हो जाता है। बाकी वह कोई सर्प आदि की बात नहीं है, बैल भी वहाँ हो न सके। सूक्ष्मतन में तो है ही देवता, सूक्ष्मतन में जाते हैं, बगीचा फल आदि देखते हैं, क्या वहाँ बगीचा है, बाबा साक्षात्कार कराते बाकी है नहीं। बुद्धि कहती है वह सूक्ष्मतन में झाड़ आदि हो नहीं सकते, यह जरूर साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार भी यहाँ का कराएंगे। यह सब है साक्षात्कार, इसको जादूगरी का खेल कहते हैं, यह कोई ज्ञान नहीं है। मनुष्य मनुष्य को बैरिस्टर बनाते हैं, वो कोई जादू नहीं कहेंगे, वो विद्या देते हैं। यह तुम्हारे को मनुष्य से देवता बनाते हैं नई दुनिया के लिए, इसलिए जादूगरी कहा जाता है। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास होने के कारण उनको जादूगर भी कहा जाता है। वह कहते गुरु की कृपा है, मूर्ति से साक्षात्कार हुआ, उससे तो फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो मेहनत कर स्वयं वह लक्ष्मी नारायण सीताराम बन रहे हो, यहाँ तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी के रजवाड़े बनने। पहली मुख्य बात है, कोई नया आता है उसको बाप का परिचय दो। ब्रह्मा तत्व महतत्व है, शिव बाबा निराकार को कोई ब्रह्म तत्व नहीं कहेंगे, एक एक अक्षर का अर्थ है, तुम ईश्वरीय बच्चे हो। ऐसे नहीं कि सब ईश्वर के रूप है, यह बाप बैठ समझाते हैं, बाकी साक्षात्कार आदि की तो चिटचैट है, इनकी आश नहीं रहनी चाहिए। समझते हैं अब खुद बाबा आया है तो साक्षात्कार करा देवे, परंतु यह सब है फालतू, फिर साक्षात्कार न होने से ना उम्मीद हो पढ़ाई छोड़ देते हैं। साक्षात्कार में प्रिंस को देखते हैं तो समझते हमको यह बनना है, खुशी हो जाती है। बहुत करके प्रिंस का ही साक्षात्कार होता है, अगर विचार किया जाए तो मुकुटधारी तो सब बनते हैं, मेल फीमेल में फर्क नहीं रहता है, सिर्फ फीमेल को लंबे बाल है, थोड़ा शक्ल में फर्क है। आत्माएँ कितनी है, एक का नाम रूप न मिले दूसरे से। आत्मा में अविनाशी पार्ट है जो कभी बदल नहीं सकता, कैसे वंडरफुल खेल बना हुआ है, आत्मा को अनादि पार्ट मिला हुआ है। बाबा कितनी सहज कर समझाते हैं, सिर्फ त्रिमूर्ति चित्र में जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा चक्र आ जाएगा। यह शिव बाबा है, यह ब्रह्मा है जिससे ब्राह्मण रचते हैं, अभी कलयुग है फिर सतयुग आना है। चित्र के सामने खड़ा होने से जैसे कि सारे विश्व का खेल बुद्धि में आ जाता है, कैसे चक्र फिरता है, खेल में कौन कौन है सब मालूम पड़ जाता है। रोज चित्रों को देखते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो, यह है स्वर्ग, यह है संगम, कितना सहज है। रोज प्रैक्टिस करने से बुद्धि में रोशनी आ जाएगी। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के लिए भी लिखो, ब्रह्मा द्वारा सतयुग का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को यह प्रारब्ध कैसे मिली, जरूर संगम
जरूर संगम युगी होगा जब ऐसे कर्म किए हैं, अंतिम जन्म में पुरुषार्थ से उन्होंने यह प्रारब्ध पाई है। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में आना चाहिए, फिर चित्रों की भी दरकार नहीं रहेगी, बुद्धि में सारा राज आ जाएगा। इन चित्रों से फिर दिल रूपी कागज पर उतारना है। बाबा सेंटर के बच्चों का मुख खोलने की युक्ति बता रहे हैं। चित्रों को देखते रहो, अंदर में बोलते रहो, रचना के आदि मध्य अंत का राज जानना है। झाड़ में क्लियर है, तपस्या यहाँ कर रहे हैं राजयोग की। ये मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर भक्ति मार्ग में कैसे शुरू होता है, जो जो जिस जिस धर्म के है उसमें ही फिर आएंगे। कितना सहज है, उन पर ही समझाना है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। उसमें उनमें अनादि पाठ नुंदा हुआ है। सतयुग में हम सुख का पाठ बजाएंगे, इतने जन्म लेंगे, शमशान में भी जाकर किसको समझा सकते हो। जब तक मुर्दा जल जाए तब तक बैठ सत्संग करते हैं, तुमको कोई रोकेगा नहीं। बोलो आओ, तुमको हम समझाए, सुनकर बहुत खुश होंगे। बात करने वाले बहुत समझदार सयाने चाहिए, कहाँ भी जाकर तुम समझा सकते हो। समझाते तो बाबा बहुत अच्छी तरह है। तुम्हारे कच्छ माने बगल में सच है, मनुष्य के बगल में झूठी गीता है। तुम्हारे बगल में सारे विश्व की हिस्ट्री जागृति है। श्री कृष्ण के चित्र पर भी तुम अच्छी तरह समझा सकते हो, इनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। आओ तो हम आपको कहानी सुनाएं, सुनकर बड़े खुश हो जाएंगे। भारत गोल्डन एज था, अब पत्थर एज है, सावरा हो गया है। काम चिता पर बैठने से काला मुंह हो जाता है। तो ऐसे ऐसे समझाने से तुम बहुत कमाल कर दिखा सकते हो। तीनों चित्र भल साथ में हो, एक चित्र पर समझा कर फिर दूसरे चित्र पर समझाना चाहिए। बहुत सहज है, सिर्फ पुरुषार्थ की बात है, टाइम तो बहुत है। सवेरे मंदिरों में चले जाओ। आओ तो हम तुमको लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनाएं। भक्ति मार्ग में यज्ञ तप तीर्था आदि करते करते तुम एकदम कौड़ी मिसल बन पड़े हो। फिर शास्त्रों ने क्या सहायता की, हम आपको सच बतलाते हैं, सच ही सहायता करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, बाकी साक्षात्कार आदि की आश नहीं रखनी है, ना उम्मीद बंद पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट, चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर हर बात को दिल में उतारना है, राज्यों की तपस्या करनी है। वरदान, अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक वही बन सकते हैं जिनमें सर्वशक्तियाँ हो। तो वो सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वशक्तियों को समय पर कार्य में लगाओ। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए कंबाइंड रूप में रहो। रोज अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लाओ। अनुभव करो कि मैं बाप दादा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है, तो विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहेंगे। स्लोगन है, सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। अच्छा, ओम शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।